गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर ईवीएस टीचर रीना पटेल। आफ्टर एंजॉइंग वेकेशन, वेलकम इन क्लास 3। टुडे अवर चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट डिड पूनम सी। आज का हमारा कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर व्हाट डिड पूनम सी। उसका मतलब क्या होता है कि पूनम ने क्या देखा, क्या मतलब होता है पूनम ने क्या देखा। तो चलो देखते हैं क्या देखा। पूनम वॉज एट होम। पूनम कहाँ थी? होम मीन्स घर पे। शी वॉज सिक। वो सिक, शी वॉज सिक। सिक मतलब क्या होता है? बीमार। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days. I am getting bored, said Poonam. तो चलो पूनम क्या बोल रही है? पूनम बोल रही है I have been at home for the past 2 days. वो कितने दिन से घर पे है? 2 days means की 2 दिन से। I am getting bored. Bored means वो ऐसे घर पे ही कंटाल गई है, बोर हो गई है, said Poonam. पूनम ने ये सब उसकी माँ से कहा। यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, रिप्लाइड माँ। फिर उसकी माँ ने उसे क्या रिप्लाई किया? उसकी माँ ने उसे क्या कहा कि तुम्हें अभी भी फीवर, फीवर मीन्स की बुखार है, तो तुम नीचे जाओ और वहाँ पे कोट मीन्स की खटिया, उसके ऊपर जाके सो जाओ। पूनम वेंट आउट। फिर पूनम क्या करती है? बाहर जाती है। शी फेल असलीप ऑन द कोट। फिर बाहर जाकर वो कोट के ऊपर सो जाती है, मीन्स की खटिया। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। सडनली मीन्स अचानक से, उसके ऊपर कुछ आके गिरता है। समथिंग फेल मीन्स कुछ गिरना, तो उसके फेस के ऊपर कुछ गिरता है। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच हर चीक। तो वो क्या करती है? एकदम से खड़ी हो जाती है और क्या होता है, अपने चीक को वो क्या करती है? टच करती है। ओ नो, व्हाट मिसचीफ इज दिस। फिर वो क्या बोलती है? अरे ये क्या है, ये किसने ऐसा धंधा किया, मिसचीफ मिस किसने खराब काम किया। इट इज ऑफ क्रोस और ऑफ पिजन्स। फिर वो बोलती है कि इट इज क्रो और पिजन, ये क्रो का है या पिजन का है। इट एनिमल, इट सीम्स इट्स ऑफ क्रोस। तो फिर वो ऐसे देखती है, तो वो क्या देखती है? क्रो देखती है। क्या, किसको देखती है? क्रो को देखती है। पूनम लुक अप, शी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। फिर वो क्या करती है? ऐसे ऊपर देखती है। अप मीन्स क्या होता है? अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो वो ऊपर क्या देखती है? ट्री के ऊपर। शी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। वो बहुत सारे, मैनी मीन्स बहुत सारे एनिमल्स को ट्री के ऊपर देखती है। चलो राइट डाउन देयर नेम्स। तो फिर हमें क्या करना है? जो एनिमल्स ट्री के ऊपर है उसके क्या करने हैं? नेम लिखने है। क्या करना है? उसके जो भी एनिमल्स ट्री के ऊपर पूनम ने देखे हैं, वो सारे एनिमल्स के नेम हमें यहाँ पर नोट करने हैं। तो चलो देखो कौन से एनिमल्स हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में देखना, ठीक है? तो चलो देखो, पिजन, एंट, स्क्विरल, मंकी, क्रो, पैरोट, बटरफ्लाई, स्पैरो एंड मैना। ये जो जितने भी नेम्स मैंने लिखे हैं, वो सभी एनिमल्स पूनम ने ट्री के ऊपर देखे हैं। तो आप सभी लोग अपनी बुक में वो पेज में देखना। राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स विच यू हैव सीन। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने जो बर्ड्स देखे हैं अपने सराउंडिंग मीन्स कि आजू बाजू में, जैसे कि घर के पास में, या तो फिर अपने स्कूल के पास में, या तो फिर कभी गार्डन में गए हो तो गार्डन में, आपने जहां पर भी आपने वो बर्ड्स देखे हैं या एनिमल्स देखे हैं, तो आपको यहाँ पर, सॉरी, बर्ड्स के नेम आपको लिखने हैं।
फेल। ओके, तो कौन से आपने देखे हुए होंगे, तो पिजन, क्रो, पैरट्स, पीकॉक, स्पैरो, ईगल, आउल और कुकू। आई होप आपने ये सभी बर्ड्स देखे होंगे, राइट स्टूडेंट्स? आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ओ वेरी गुड, आप सभी लोगों ने ये बर्ड्स देखे हैं। पूना पिक अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइट हर चीक विथ इट। उसका मतलब क्या होता है कि पूनम क्या करती है, वहां से एक क्या करती है, नीचे से एक लीफ लेती है। लीफ मींस की पत्ता, जो ट्री के ऊपर रहते हैं वो। तो उसने क्या किया, लीफ लिया, कहां से लिया, ग्राउंड के ऊपर से। ग्राउंड मींस नीचे, जमीन के ऊपर से लिया। वाइट हर चीक विथ इट, वाइट मींस ऐसे पोंछना। तो उसने क्या किया, उसका जो चीक है उसे उसने वाइप किए। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, पर क्या हुआ, उसके पहुंचने के बाद भी, वाइप करने के बाद भी उसके जो चीक थे वो कैसे थे, स्टिकी थे। कैसे थे, स्टिकी। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। फिर उसके जो चीक थे वो कैसे थे, स्टिकी थे। तो फिर उसने क्या सोचा कि मुझे इसको वॉश करना है, मीन्स की धोना पड़ेगा। और फिर वो धोने के लिए क्या करती है, उसके नियर बाय मीन्स की उसके बाजू में कोई पॉन्ड होगा, तो वहां पर वो पॉन्ड के पास गई अपने चीक को वॉश करने के लिए। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। तो क्वेश्चन क्या है कि पूनम ने कौन से एनिमल्स पॉन्ड के अंदर देखे। तो कौन से एनिमल्स है, देखो सब लोग अपनी अपनी बुक में देखना, उसमें सारे देखो, उसमें पिक्चर दिया है पॉन्ड का और उसके अंदर सब एनिमल्स दिए हैं। तो आपको एनिमल्स देखने हैं कि कौन से एनिमल्स है। देन लेट्स सी विच एनिमल्स पूनम सॉ, गॉट, टॉर्टोइज, क्रेन, फ्रॉग, बफेलो एंड लास्ट स्टॉर्क। तो ये सारे एनिमल्स पूनम ने पॉन्ड के अंदर देखे हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सी एट द पॉन्ड। इसमें क्वेश्चन दिया है कि क्या आप एनिमल्स के, जो पॉन्ड के अंदर एनिमल्स दिए हुए हैं, उसके जैसे आप साउंड निकाल सकते हो, उसके जैसे एक्ट कर सकते हो। आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स, यू कैन और नॉट। यस वेरी गुड, यू कैन मतलब कि आप लोग क्या कर सकते हो, एनिमल्स के जैसे एक्ट मीन्स उसके जैसे साउंड कर सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स दिस एनिमल्स मेक। तो एनिमल्स के जो साउंड्स होते हैं और उनकी मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो वो सब हम अभी नीचे देखेंगे कि उनकी मूवमेंट्स कैसी होती है। हाउ कैन एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो लेट्स सी, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स यूज करते हैं। तो लेट्स सी, सम एनिमल्स वॉक। सम एनिमल्स क्या करते हैं, वॉक। वॉक मींस चलना। तो आपने काउ, बफेलो, गॉट, ये सारे एनिमल्स तो देखे ही होंगे, देखे हैं ना स्टूडेंट्स? यस वेरी गुड, ये सभी एनिमल्स आपने देखे। तो आपने देखा होगा कि वो कैसे चलते हैं, दे कैन यूज देयर फीट। वो चलने के लिए, वॉकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, फीट। फीट मीन्स उनके जो पैर होते हैं वो यूज करते हैं। सम क्रॉल, सम एनिमल्स क्रॉल। तो क्रॉल मीन्स क्या होता है, जो उनके पेट से ऐसे सरक के जाते उसको क्या बोलते हैं, क्रॉल। तो आपने क्रॉल कौन से एनिमल्स को क्रॉल करते हुए देखा है, तो स्नेक, टॉर्टोइज, और चलो अभी आगे सम फ्लाई। तो सम फ्लाई में क्या होगा, फ्लाई मीन्स उड़ना। तो आपने उड़ते हुए भी बर्ड्स देखे होंगे ना, तो कौन से बर्ड्स उड़ के जाते हैं, तो उसमें आएंगे स्पैरो, क्रो, पिजन।
तो ये सभी बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं। फ्लाइंग मीन्स उड़ना। तो वो उड़ने के लिए, फ्लाइंग के लिए क्या यूज करते हैं, आप लोगों को तो पता है कि नहीं पता है? चलो बोलो क्या यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड, दे आर यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। वेरी गुड। सम एनिमल्स स्विम एंड सम एनिमल्स होप। तो स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। तो आप लोगों ने फिश देखी होगी, फिश क्या करती है, स्विम करती है। जो वाटर के अंदर होते हैं वो सारे एनिमल्स क्या करते हैं, स्विम करते हैं। तो स्विम में फिश, ऑक्टोपस, दे कैन स्विम। सम एनिमल्स होप। होप मीन्स क्या होता है, जंप करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, मतलब कि होप करके, जंप करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस के जाना। तो कौन से एनिमल्स आएंगे, फ्रॉग, कांगारू, रैबिट, दे कैन गो वन प्लेस टू अनदर बाय हॉपिंग। तो चलो आप लोगों ने चैप्टर वन व्हाट डिड पूनम सी में देखा, कि पूनम ने क्या देखा, फिर कौन से डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, फिर उनकी मूवमेंट देखा, फिर साउंड, वो सब आपने यहाँ पर देखा। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, एनवायरमेंट के लिए आप लोगों को बुक बनानी है सिंगल लाइन। और कैसी बुक बनानी है, सिंगल लाइन की, एनवायरमेंट की एक बुक बनानी है। और बुक के अंदर चैप्टर नंबर वन व्हाट डिड पूनम सी आप लोगों को हेडिंग देना है, और उसके नीचे फिर जो मैंने बॉक्स बनाकर लिखा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस मैंने बॉक्स बना के लिखे हैं, वो सभी क्वेश्चन टू टाइम्स आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। तो सब लोग को समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी बुक में ये जो बॉक्स बना के मैंने क्वेश्चन लिखे है ना, वो सब आप लोग टू टाइम अपनी बुक में लिखोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।